आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे लाइफ में कंफ्यूज हैं, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पैसा चाहिए अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि वो पैसा कैसे कमाएं, क्या करें। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो आपके लिए ये रास्ता नहीं है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। भूल जाओ कॉजलेस हैप्पीनेस को, आपको मिल ही नहीं सकती जब तक कि अपनी उन फैमिली की जरूरतों को आप पूरा नहीं करोगे। तो आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग अगर मैं होऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं काम करूंगा, कोई भी काम, कैसा भी काम। अगर जॉब नहीं मिल रही, 10 जगह गया जॉब नहीं मिली, 100 जगह जाऊंगा, 1000 जगह जाऊंगा, 5000 जगह जाऊंगा, जॉब मिली नहीं रही, अरे कोई बात, एक चाय बेचने की दुकान लगा लूंगा, खाली नहीं बैठूंगा, खाली नहीं बैठूंगा किसी भी हालत में। यह है पहली स्टेज। आपको समझना है कि आप कौन सी स्टेज में हैं, कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो ये स्पिरिचुअलिटी और ये सारी बातें बकवास हैं। ये सब बातें तब काम की जब पेट भरा हुआ हो, कि आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं लाइफ की। घर में सब लोग रो रहे हैं, सब परेशान है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और आप बात कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की, सब बकवास है, बकवास है मेरे भाई, इन चक्रों में मत पड़ जाना अभी से। तो पहला स्टेज क्या है जो मैंने आपको बताया? काम करो। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलानी पड़ रही है, चलाओ ना, क्या बुराई है, खाली क्यों बैठना है? मेरे पास में तो डिग्री है, मैं ये काम कैसे कर लूं? डिग्री का अचार डालो, डिग्री को फाड़ो, उसका अचार बनाओ, खा जाओ और ऑटो चलाओ, अगर कहीं काम नहीं मिल रहा तो भूल जाओ उस डिग्री को, वो पास था, अगर कुछ नहीं हो रहा तो। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपये महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपये के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है, और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से इस एज ग्रुप से, विच इज़ अराउंड 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो? करोड़ों रुपये हो सकते हैं। वॉट इज फ्रीडम, वॉट इज हैप्पीनेस, वॉट इज सेटिस्फैक्शन एंड वॉट इज इंडिपेंडेंस? अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है तो अब उसका रास्ता फिगर आउट करना है, वो बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है, अब वहां तक पहुंचना कैसे है वो सेकेंडरी है। ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, रोड से जाना है, पैदल जाना है, वो तो सेकेंडरी है। पहले ये तो फिगर आउट करो जाना कहाँ है। वॉट इज हैप्पीनेस, वॉट इज सेटिस्फैक्शन, कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए अपनी लाइफ से। तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है कि आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इसको सेंटर पॉइंट बनाओ ना अपनी लाइफ का। आपको सिर्फ यही तो फिगर आउट करना है, हाउ टू अचीव इट, व्हाट तो फिगर आउट हो गया, आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो आप बात कर रहे थे ना ऑब्जर्वेशन, अब आपको कुछ और ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है। अपना पेपर पेन लो और उसमें लिखो सेंटर में लाइफ में, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय करियर। अगर मेरे करियर में मेरे को ये दोनों चीजें मिल रही हैं, बल्कि एक तीसरी चीज भी है जिसको हमने मिस कर दिया यहां पे, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैशन, कि मजा भी आए ना करने में, ऐसा नहीं ना कुछ बोरिंग सा कर रहे हैं। वैसे अगर बोरिंग होगा तो ये दोनों चीजें मिलेंगी भी नहीं, ये तभी मिलेगा जब पैशन होगा। सक्सेसफुल इंसान किसको कहोगे, जिसके पास में फ्रीडम है या जो बंधा पड़ा है? फ्रीडम किस चीज की? जो आप करना चाहते हो वो कर सको। ये सुनने में बड़ा छोटा लगेगा आपको, बट ये फ्रीडम बहुत कम लोगों के पास है इस दुनिया में।
सक्सेस है, पैसा है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो करने की जो वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, अब दो तरीके से मैं बोल सकता हूं ना, एक उस बेस पे बोलूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, तो आप तो कुछ भी चाहोगे, आप तो कहोगे सर डांस करके दिखाओ, सर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात करो ना, इन बातों में मजा नहीं आ रहा, किसी की बुराई करो ना सर, सर ये करो ना सर वो करो ना, ताकि कुछ मजा आए। तो अगर मैं आपकी चाहत के हिसाब से बोलने लग जाऊं तो मैं बंधा हुआ हूं या आजाद हूं? बंधा हुआ हूं, समझ गए? दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन नॉट इन अ वे कि भाई हम आलसी हो जाएं या पड़े हुए हैं, इनफैक्ट जब हम पूरी तरह से अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं और खुश होते हैं तो हमारे में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही ना। जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से तो सारी एनर्जी कहां होती है? कभी ऑब्जर्व किया है अपनी ब्रेन को? यही है अपने माइंड के ऊपर काम करना। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क? हम माइंड से तो काम करते हैं, माइंड पे कभी काम नहीं करते। माइंड पे काम करने का मतलब ऑब्जर्व करना कि हमारी ब्रेन के अंदर क्या चलता रहता है। जब हम खुश होते हैं तब हमें ज्यादा एनर्जी होती है, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल, कुछ भी करने की। या जब हम दुखी होते हैं तब ज्यादा एनर्जी होती है। तो सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? जिसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो, आजादी भी हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन भी हो। पैसा जरूरी है या नहीं है? कितना पैसा होगा जब हम कहेंगे कि वो बंदा सक्सेसफुल है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि उस बंदे की जो नीड्स हैं उससे ज्यादा पैसा उसके पास में है, तब आप कह सकते हो कि वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली। दिस इज वन। टू, आपके पास में टाइम होना चाहिए। ये क्यों नहीं आता कभी हमारे दिमाग में? जरूरी है या नहीं है? आप एक काम कर रहे हो, आपको बहुत पसंद है और पैसा भी आपने कमा लिया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। उनसे बोलो कि भाई आप डेली करते हो एक्सरसाइज, मेरे पास टाइम नहीं है। अकेले बैठते हो शांति से बैठने का टाइम नहीं है। कहां बिजी हो भाई, क्या करने में बिजी हो? उसको हम सक्सेसफुल कह सकते हैं, फेलियर कहेंगे? तो इसको हमेशा दिमाग में रखना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम। कम से कम 2-3 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके पास खुद के लिए हो। ज्यादातर क्या होता है, हम अपनी बॉडी और माइंड से काम करते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी और माइंड पे काम करना। ये बात पकड़ में आई? कि टाइम क्यों चाहिए, पैसा चाहिए क्यों? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी अपनी फैमिली की, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी, ताकि हमको पैसे की टेंशन ना रहे। टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, फिर जितना मर्जी पैसा हो सब बेकार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम क्यों चाहिए? खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। क्यों खुद पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है? हम अपनी बॉडी से तो काम करें, माइंड से तो काम करें, लेकिन बॉडी पे काम ना करें तो बॉडी की क्या हालत होगी सोचो। अगर कोई अपने माइंड पे काम नहीं करता या खुद पे काम नहीं करता तो वो डायरेक्शन लेस लाइफ जिएगा। हो सकता है बाहर बहुत सक्सेस भी अचीव कर ले, लेकिन तब भी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जो जहां से जैसा कुछ आएगा बस वहीं चल पड़ेगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। ऐसी लाइफ का क्या फायदा, उसको आप सक्सेस कहोगे? सक्सेसफुल इंसान कौन है, इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में है इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसका पार्ट है या नहीं है? इट इज वन ऑफ द पार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस पर्पस में ये भी आ गया। ये कह लो ये पर्पस एक ऐसा है जो सीढ़ियां आप आगे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो, जिसका एंड है ही नहीं, उसकी पहली सीढ़ी यही है। इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी, तब तो पूरे दिन सुबह से रात तक यू आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। तो पूरी जिंदगी क्या किया, पैसे के लिए काम किया, पैसे के लिए जिए, पैसे के लिए मरे, तो अपने पे तो काम कभी किया ही नहीं। तो इसको अलग मत करो, यही हमारी सबकी प्रॉब्लम है। अभी हुआ क्या है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने इन दो चीजों को अलग अलग कर दिया है। यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, हर चीज को बारीकी से समझ लेना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होने वाला है अगले 5 साल बाद। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। ये हमारा गोल होता है, या होता है कि बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसा आ जाए कि वहां से ये हो जाए, उसके आगे हम सोचते ही नहीं। बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, मतलब उसमें एनर्जी कहां है?
उसमें जान कहां है, उसमें पावर कहां है? तो जब गोल बनाना ही है इस एज में तो ढंग का बनाओ ना। ढंग का गोल का मतलब क्या, क्या है ढंग का गोल? मैं कुछ ऐसा कर रहा हूंगा 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता है।